अध्यादेश पास किया है जो किसानों के खिलाफ है। किसान इससे बहुत परेशान है, किसानों को इससे बहुत घाटा होने जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। सरकार ने काले कानूनों को किसानों पर थोप रखा है, जिससे किसान नहीं चाहता कि ये काले कानून हमारे पे थोपे जाएं। और हमारा MSP पर नया कानून बनाकर और मंडियों को जो निरस्त करने का काम किया है ये पुनः लागू किया जाए। सरकार ने है ना 3 महीने से किसान परेशान है सर, और ये सरकार हमारी कोई सुध लेने वाली नहीं है। 6-7 दौर की बात हो सकी है लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसानों से कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अब की बार आर पार की लड़ाई है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है और न ही झुकने वाला है। अब दिल्ली को फतेह करने जा रहे हैं, किसान 9 तारीख को इतना जत्था जाएगा कि सरकार के समझ में नहीं आएगा इनको ठहराने की जगह कहाँ दी जाए। ये तो है ना ठगबंधन गृह दुष्यंत डाला का, तो लोगों ने पहले ही बता दिया कि सरकार के साथ इसने अपना सवाल सिद्ध करने के लिए सरकार को समर्थन दे रहा है। ये किसानों की राजनीति करने वाला परिवार था, इसने चौधरी देवीलाल का नाम भी बदनाम करने का काम किया है जो कि गलत है। दुष्यंत चौटाला को तो अगर ये चौधरी देवीलाल का खून है तो इसको तुरंत इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आ जाना चाहिए था। ये तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं जो कि इसके परिवार के ये खिलाफ है। मोदी सरकार मुर्दाबाद।